कितनी पॉलिथीन कितने जुर्माने रियायत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार की जो गाइडलाइंस के अनुसार किया गया है, इसमें आज नगर पालिका खैर में लगभग 100 किलो पॉलीथीन जब्त की गई और 20,000 से अधिक का जुर्माना किया गया लोगों से। और अभी ये रोज़ कार्रवाई चलेगी, लगभग एक महीने 2-3 घंटे डेली चलेगी। और सबको ये कह दिया गया है कि आप अपने दुकानों के सामने लिख कर ये टांग दीजिए कि यहाँ पॉलीथीन में कोई भी सामान नहीं बिकता, ग्राहक अपने घर से अपना थैला धोना जो भी लाना चाहें वो ले आ सकते हैं। अच्छा सर, पहले भी ऐसे अभियान चले हैं कई बार, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद में डंप हो जाते हैं। हाँ, चले हैं पहले, लेकिन अब की बार माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो इच्छा है वो पूरे भारत को और पूरे उत्तर प्रदेश को पॉलीथीन मुक्त करना है। उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ये चलाया जा रहा है और ये चलेगा, लगातार चलेगा। अब ऐसा नहीं होगा पूर्ववत की बात कि जो पहले चलते थे बंद हो जाते थे, अब ये लगातार चलेगा। और अभी तो सब लोगों को बताया गया है, मुनादी करवाई गई है, बाकी अब जो अगर चोरी छुपे बेचेंगे उन पे अलग तरीके से रणनीति अपनाई जाएगी कि वो किस तरह से बंद उनको किया जाए।